हेलो ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको यूरिन पास करते टाइम और पोटी करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ टिप्स फॉलो करना है। कुछ यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगी, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, किस केस में आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है, वही सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो पहले ये बात करते हैं कि यूरिन पास करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इसका नॉर्मल डिलीवरी से क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। जब भी आप घर में भी यूरिन पास कर रहे हैं, जब भी आप टॉयलेट जा रहे हैं, तो टॉयलेट जाके यूरिन पास करने के बाद आप क्या करिए, अच्छे से आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसको अच्छे से पानी से ही, प्लेन वाटर से साफ कर लीजिए। उसके बाद अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर भी कहीं पब्लिक प्लेस पे अगर टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए पहले वो साफ़ है कि नहीं है। अगर साफ़ सुथरा है फिर भी आप क्या करिए, वो पहले अच्छे से उसमें पानी डाल दीजिए, उसके बाद जाके वहाँ पे बैठिए, रिस्क नहीं लेना है। नेक्स्ट, जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते टाइम आप क्या करिए, पूरा एक फ्लो में आपका यूरिन पास नहीं करना है। ट्राई करिए यूरिन थोड़ा आपको रुक रुक के छोड़ने के लिए, थोड़ा पास कर लिए फिर रोक लिए, फिर छोड़े फिर रोक लिए। ऐसा करने से क्या होगा, हम लोगों का दिक्कत क्या होता है, लड़के लोग खड़े होके यूरिन पास करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनका डिस्टेंस बहुत दूर रहता है जो कॉमोड है या टॉयलेट है उसके कांटेक्ट में। लेकिन हम लोगों को बैठ के करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों का जो हेड बहुत कम डिस्टेंस रहता है कांटेक्ट होने का, तो इसलिए बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप रुक रुक के आप अगर यूरिन पास करेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ही चांसेस कम हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, ख़ास करके 8-9 मंथ्स में ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि बच्चा सर नीचे कर लेता है, इसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा, मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो आप क्या करिए, रोकिए मत, अगर रोक लेंगे तो ये ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आएगा, बाद में ये किडनी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए आप क्या करिए, जितना टाइम आपको यूरिन पास करना है, जितना टाइम टॉयलेट जाना है, आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी मत रोकिए। अब बात करते हैं कौन सा यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है। तो अगर आपका अभी प्रेगनेंसी का 8-9 मंथ्स चल रहा है, या आप अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में है, फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर है, और अगर आप हंसते टाइम जोर से अगर हंस रहे हैं और आपका थोड़ा थोड़ा यूरिन लीक हो रहा है, एक्सरसाइज करते टाइम थोड़ा लीक हो रहा है, या अगर आप बात करते टाइम, खांसते टाइम, बात करते टाइम तो उतना नहीं होता, ये जाके लास्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है, अगर आप खांसते या छींकते टाइम अगर थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है यूरिन, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप जब भी यूरिन पास करने जा रहे हैं और यूरिन का कलर अगर थोड़ा डार्क येलो कलर है, मीन्स आपके बॉडी में पानी की कमी है, आप सफिशेंट पानी नहीं पी रहे हैं, तो आप क्या करिए, 5 से 6 ग्लास पानी पिए, उसके साथ आपको वाटरमेलन भी खाना है, कोकोनट वाटर भी पीना है, जूस जितना हो सके, अभी तो समर भी है, जूस ये सब आपको पीना है। तो आपका कुछ हद तक क्या होगा, बॉडी जो डिहाइड्रेट हो रहा है वो नहीं होगा, और यूरिन का कलर भी आप देखिएगा पूरा ट्रांसपेरेंट कलर ही होगा। देन एबनॉर्मल केस कौन सा है वो बता देती हूँ। तो अगर आप जब यूरिन पास कर रहे हैं उसके बाद आपको जलन हो रहा है या खुजली हो रहा है, और बहुत ही स्मेल हो रहा है, आप फाउली टाइप का स्मेल हो रहा है, और अगर थोड़ा थोड़ा ब्लड भी निकल रहा है, या आपका जो अंडरवेयर है उसमें, पैंटी में अगर ब्लड थोड़ा सा ब्लड स्पॉटेड होके हो रहा है, उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, तो ये नॉर्मल केस नहीं है। इस केस में मैं भी, ये हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन हो, तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ही है। इस केस में आप लेट मत करिए, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में आप इधर उधर का मेडिसिन ऐसे ही नहीं ले सकते, और बेबी डिलीवर नहीं होने तक डॉक्टर रिस्क भी नहीं लेंगे। तो रहा बात नॉर्मल डिलीवरी का, तो यूरिन इन्फेक्शन में क्या होता है, उस टाइम तो बेबी को इन्फेक्शन नहीं होता जब तक बेबी आपके गर्भ में है, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम जब वेजाइने के थ्रू वो पास होता है, बाहर आता है, तो उस टाइम कुछ चांसेस रहता है बेबी को इन्फेक्शन होने का।
तो इसीलिए उसके बाद तो डॉक्टर का प्रोसीजर है वो क्या फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपका यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर में भी चूज़ कर सकते हैं सिजेरियन के लिए। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है यूरिन इन्फेक्शन है तो जल्द जाके आपको ट्रीटमेंट लेना है डॉक्टर से। और उसके बाद जब भी आप पोटी करने जा रहे हैं तो ट्राई करिए आप सुबह उठ के वार्म वाटर जो है उसको पीने के लिए। उससे क्या होगा, सुबह सुबह ही आपका पोटी साफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पेट अगर साफ रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम साफ रहेगा तो आपका दिन भर सब ओके रहेगा, अच्छे से सो भी पाएंगे, सब सही रहेगा, आपको एसिडिटी नहीं होगा, गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जितना टाइम आपको पोटी आ रहा है उतना टाइम जाके करिए। और लास्ट मंथ में, 9 मंथ्स में जब लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले, उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन टाइप का फील होता है, बार बार पोटी करने जाना पड़ता है। तो उस टाइम भी रोकिए मत, जाइए। और प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर में भी आप यही काम करिए, ट्राई करिए दिन में 2 बार वार्म वाटर पीने के लिए। इससे आपका पोटी पूरा साफ हो जाएगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।